अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानिश हुसैन और आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को लर्न करने वाले हैं, विच इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो आई होप कि आप पिछला सारा कुछ आप स्टडी कर रहे होंगे, उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, है ना। अगर आपने अभी तक नहीं भी किया है तो फिर से एक बार वॉच कीजिए और फिर से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं पाइथन, जिसमें एक दो कॉन्सेप्ट हमारे और हैं उसको हम लोग लर्न करेंगे और उसके बाद हमारा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा। अब उस पाइथन को आप कहीं भी यूज़ कर सकेंगे। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को लर्न। ओके, इससे पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ। सपोज कि मेरे पास सपोज एक एग्जांपल है, एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू सपोज 20, या 2 ले लिया हमने, कुछ भी ले लिया, और जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, और हम लोग यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं जेड, और क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर करने वाले हैं हम लोग प्रिंट स्टार्ट, कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पर, स्टार्ट भी स्टार्ट। ओके स्टार्ट, और इसको हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया एंड। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ओके, ये प्रोग्राम बिल्कुल रन हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, ये मैंने रन कर दिया यहाँ पर, इस फाइल को मैंने रन कर दिया। ओके, अच्छा मैं अगर यहाँ पर कोई एरर दे देता हूँ, सपोज ये मैंने एरर दे दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा ये प्रोग्राम, जब मैं इसको रन करूंगा तो पहले क्या होता है, प्रोग्राम पहले कंपाइल होता है, तो ये जब कंपाइल करेगा तो ये देख लेगा कि इसमें एक सिंटैक्स एरर है, तो सिंटैक्स एरर है ये, तो कंपाइल करते करने के बाद ये हमको बता देगा कि इसमें सिंटैक्स एरर है, जिससे कि ये प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। जैसे कि अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ तो इसने बोल दिया कि ये एरर है, आप इसको रन नहीं कर सकते। ओके, तो जो सिंटेक्स टाइप की एरर हम लोग करते हैं प्रोग्राम में, जैसे कि मैं अगर कोई ऐसा यहाँ पर ऐसा एक यूज़ कर रहा हूँ इफ़, और कोई कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पर, ओके, और इसमें कॉलन नहीं लगाता, तो ये मुझे क्या बताएगा, ये बताएगा कि आप यहाँ पर आप कंपाइल टाइम एरर दे रहे हैं, आपको ये लगाना चाहिए, ओके सिंटेक्स एरर है। तो देखिए अगर हमारी ये जो इस टाइप की जो एरर होती हैं वो कंपाइल टाइम एरर होती हैं, मीन्स जब कंपाइल कर रहा होता है पाइथन उसको, तभी बता देता है कि आपकी एरर है और आप इसको रन नहीं कर सकते। तो कंपाइल टाइम एरर में हमें कोई इशू नहीं होता, जैसे इसकी बात करूँ मैं, यहाँ स्पेस दे दूँ तो ये क्या दे देगा, इंडेंटेशन की एरर दे देगा, विच इज़ ऑल्सो कंपाइल टाइम एरर, जब ये कंपाइल करता है तो एरर देता है, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है सिंटैक्स से रिलेटेड ही होती हैं। ओके, तो कंपाइल टाइम एरर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर होगी तो पाइथन रन ही नहीं करने वाला, और रन नहीं करने वाला, आपको एक एरर दे दी जाएगी, आप जाइए उसको सॉल्व कीजिए, फिर पाइथन उसको रन कर देगा, विच इज़ वेरी सिंपल। तो कंपाइल टाइप जो एरर्स होती हैं उनमें कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई उसमें कोई डेंजरस चीज़ नहीं है ना, रन ही नहीं होने वाला कुछ भी, कोई रॉन्ग आउटपुट नहीं आएगा, कोई कोई ऐसा आउटपुट आने वाला नहीं जिससे कुछ हो जाए, क्योंकि प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा। लेकिन कुछ एरर ऐसी होती हैं जो पाइथन जब फाइल रन हो रही होती है, कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं होती है, फाइल जब रन हो रही होती है तब वो एरर आती है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर अगर आप क्या करें, डिवाइड कर दें तो इसको रन करेंगे कुछ नहीं होने वाला, ये रन करने वाला है प्रोग्राम, बट यहां पर अगर वाई की वैल्यू जीरो हो, ओके वाई की वैल्यू जीरो हो, तो ये देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर, ये जब इसको रन करेगा, इसको रन करेगा, इसको रन करेगा, उसके बाद जब ये देखेगा 10 डिवाइड बाई 0, तब यहाँ पर ये एरर देगा, किस लाइन पर, इस लाइन पर प्रोग्राम रन हो रहा है, और रन होने के बीच में ही एक एरर आ जाती है, तो इस टाइप की एरर को हम लोग रन टाइम एरर कहते हैं, और रन टाइम एरर को हम लोगों को हैंडल करनी पड़ती है, क्योंकि ये बीच में आती है, प्रोग्राम आपका वहीं स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम रन भी हो जाएगा और स्टॉप भी हो जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर, इसको मैं अगर रन करता हूँ तो ये क्या बोलेगा, ये बिल्कुल यहाँ ये शुरू हुआ प्रोग्राम, देखिए स्टार्ट लिखा गया बट यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर इसने स्टॉप कर दिया प्रोग्राम को, ये बोला ये रन नहीं हो सकता प्रोग्राम। तो इस टाइप की एरर जो होती है वो रन टाइम एरर हो सकती है, तो रन टाइम एरर हो सकता है कि एक बार में आए और दूसरी बार में ना आए। जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप एक ऐसी कंडीशन लिखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन सपोज 5, ओके देन ये रन हो, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं आप, बाय बाय इज लेस देन 10,
ओके देन ये रहनो, एल्स आप लिखते हैं, एल्स में लिखते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके अब देखिए इस केस में वाई इज लेस देन 10, यस इस केस में तो एरर आएगी, ये देखिए एरर आ गई। बट अगर वाई की वैल्यू 20 हो देन ये एरर नहीं आने वाली, तो सेम रन टाइम एरर, ये देखिए क्योंकि नहीं आई क्योंकि एल्स में गया, इसमें गया ही नहीं, अगर इसमें जाता तो इसमें एरर आती, तो सेम रन टाइम एरर एक कंडीशन में आ रही है और एक कंडीशन में नहीं आ रही, तो रन टाइम एरर का यही होता है। कंपाइल टाइम एरर हमेशा आएगी, प्रोग्राम रन नहीं होगा, स्टॉप कुछ नहीं, आप जो एरर बता रहे हैं वहाँ जाएँ फिक्स करें, आप प्रोग्राम को रन करें, बट रन टाइम एरर थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स होती है, सब टाइम होती भी हैं, सब टाइम आ भी सकती हैं, सब टाइम नहीं भी आ सकती हैं, तो इसका कोई पता नहीं होता, पाइथन को भी नहीं पता होता। जब पाइथन एग्जैक्ट उस लाइन पर जाता है, उसको रन करता है, जब एरर आती है तब वो एरर देता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सपोज़ यहाँ पर इसमें तो ये नहीं आने वाली एरर, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज़ y की वैल्यू, अभी देखिए मैं y की वैल्यू 5 कर देता हूँ, ठीक है, तो इसमें भी नहीं आएगी, इसमें जाएगा बट डिवाइड करेगा बट एरर नहीं आएगी, नहीं आई एरर ना। बट अगर सपोज़ मैं यहाँ पर एक x प्लस y प्लस a कर देता हूँ तो ये क्या करेगा देखिए, और यहाँ पर मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ, ओके तो इसमें जाएगा, अब ये क्या बोलेगा, देखिए 5 के लिए तो कुछ भी एरर नहीं आएगी यहाँ पर क्योंकि इसमें जा रहा है, बट यहाँ पर 20 है ना, 20 के लिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें जाएगा तो x विच इज 10, y विच इज 20, बट a को देखेगा, ये सर्च करेगा a इज नोवेयर, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, एक नेम एरर दे देगा, ये देखिए नेम एरर दे देगा, ये बोलेगा स्टार्ट किया प्रोग्राम इसने क्या बोला, यहाँ पर गया, इसने बोला a तो डिफाइन ही नहीं है आपका, तो ये इस टाइप के एरर को जो है जैसे ही आती है एरर तो वहीं स्टॉप हो जाता है, उसके आगे देखिए ये वाली लाइन रन नहीं कर रहा है, उसके आगे बिल्कुल नहीं चलता है ना। तो इस टाइप की एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, जब भी हम कोड राइट करते हैं वो हम लोग वो अप्रोच फॉलो करते हैं, हमें नहीं पता होता कि एरर आएगी नहीं आएगी। अब देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ जिससे कि ये कोड आपके पास रहे, और मैं यहाँ पर एक देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं ये करता हूँ, देखिए जब भी जिस कोड में हमें पता होता है कि एरर आ सकती है, एरर आने के चांसेस हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उस कोड को हम लोग क्या करते हैं ट्राई में रख देते हैं, ट्राई ब्लॉक बनाते हैं, जब ब्लॉक होता है तो इंडेंटेशन तो देते ही देते हैं, तो हम लोग उस कोड को ट्राई कैश में रख देते हैं। ये इफ़ कहाँ गया इसका, इफ़ तो हमें लगाना होगा, इफ़ तो है, ओके है यहाँ पर, इफ़ का इंडेंटेशन अलग होगा फिर क्योंकि ये इंडेंटेशन है, तो हम लोग ट्राई में रख देते हैं, ओके तो अब देखिए ट्राई हो गया यहाँ पर, ओके और ट्राई के साथ एक्सेप्ट भी होता है, तो एक्सेप्ट भी हम लोग यहाँ पर करेंगे और हम लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, तो इसमें एक्सेप्ट, ओके अब देखिएगा, अब सपोज इस केस में मुझे बताएं कि इसमें कोई एरर नहीं है, तो सीधे जब कोई एरर नहीं होगी तो रन होगा, जैसे रन हो रहा है वैसे ही रन होगा। अब ये देखिएगा यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, जैसे रन हो रहा था वैसे ही रन हुआ। अगर इस केस में मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये क्या होगी, एरर आएगी, यहाँ पर जाएगा और 10 x is 10 एंड y is 0, 10 जब 0 से डिवाइड होगा विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है तो एरर आएगी, ठीक है, डिवीज़न बाय 0 की एरर आएगी। तो देखिए डिवीज़न बाय जब 0 की एरर आएगी, इससे पहले जब हम ट्राई यूज़ नहीं कर रहे थे देन ये यहीं पर स्टॉप कर दे रहा था, बट अब हमने अगर ट्राई यूज़ किया है, इस कोड को ट्राई यूज़ किया है, तो ट्राई के अंदर कोई भी एरर आती है तो प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा बल्कि सीधे एक्सेप्ट में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ यहाँ से सीधे यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद जैसे आप फ्लो चल रहा है प्रोग्राम का, जो भी आगे कोड है उसको रन करे नहीं करेगा, मतलब रन करेगा, ओके एज इट इज रन करेगा। लेकिन अगर हम ट्राई यूज नहीं कर रहे थे तो प्रोग्राम जो है वहीं स्टॉप हो जा रहा था, बिल्कुल स्टॉप। बट ट्राई का क्या फायदा हुआ, ट्राई ने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं किया बल्कि एरर को हैंडल किया। इस वजह से इसको एक्सेप्शंस हैंडलिंग कहते हैं। एक्सेप्शन जहां पर आया उसने हैंडल कर दिया और एक्सेप्ट में ले गया, जिससे कि आप वहां पर पता कर सकें क्या है क्या नहीं है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम स्मूथली चलता रहेगा। जैसे कि मैं आपके बताऊं कि यहां पर मैं रन करता हूं, तो ये देखिए क्या हुआ, स्टार्ट, ये रन हुआ स्टार्ट। अब यहां पर गया, देखिए यहां पर गया, मैं आपके लिए यहां पर लिख भी देता हूं, प्रिंट इफ, ओके यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, और यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि आपको पता लग जाए कहाँ कहाँ गया। ओके ये देखिए इफ में गया, इसको एरर मिली, सीधे यहाँ आ गया। जैसे ही ट्राई में कोई रन टाइम एरर आएगी, सीधे कहाँ आएगा, एक्सेप्ट में आएगा, बस सिंपल एक्सेप्ट में आएगा। अब देखिए आ गया, अगर कोई एरर नहीं मिलती है, सपोज मान लिया कोई नहीं मिलती है, तो नहीं आएगा, सीधे स्मूथली प्रोग्राम चलेगा जैसे चलता था। ये रन होगा, उसके बाद इसमें तो आएगा ही नहीं और रन होने वाला है बस। अच्छा सपोज यहां पर अगर 20 हो, ठीक है 20 हो, तो क्या होगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। और यहां पर सपोज ये ना हो तो कुछ नहीं होगा, सिंपल इसमें जाएगा। ये देखिए ऐसे में गया, रन हो गया। बट यहां पर मैं एक ऐसा वेरिएबल लगा देता हूं जो डिफाइन नहीं है, देन क्या होगा, इसमें जाएगा और ये बोलेगा क्या, इसमें एरर आ जाएगी। जब इसमें एरर आएगी तो क्या होगा, सीधे यहाँ यहाँ पर आएगा एक्सेप्ट में, उसके बाद प्रोग्राम जो है स्मूथली चलता रहेगा। ये देखिए चलता रहेगा, एस में आया और चलता रहा। इससे पहले अगर हम ट्राई यूज नहीं कर रहे थे तो क्या हो रहा था, तो प्रोग्राम वहीं वहीं स्टॉप हो जा रहा था और आगे का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता था। तो ट्राई एक्सेप्ट से हमें ये फायदा हुआ। ओके तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग कॉपी करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं कमेंट करता हूँ। ओके अब देखिए इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बस इतना कॉन्सेप्ट होता है। तो जब भी हम कोड राइट करते हैं जहाँ हमें पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर रन टाइम एरर आ सकती है, देन हम लोग क्या करते हैं, उस कोड को ट्राई और एक्सेप्ट में ले लेते हैं, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें थोड़े से ऑप्शन और भी होते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए इसका भी एल्स होता है, एल्स, ओके इसका एल्स होता है, जैसे कि वाइल का एल्स होता था, जैसे कि फॉर का एल्स होता था, तो इसका भी एल्स होता है। एल्स क्या करता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, एल्स ऑफ ट्राई, ठीक है एल्स ऑफ ट्राई। तो देखिए एल्स सिंपल, अगर ट्राई में कोई एरर नहीं आती है तब एग्जीक्यूट होगा, अगर कोई एरर आती है तो सीधे एक्सेप्ट में जाएगा और एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर इसमें नो एरर आती है तब ये पूरा पूरा एल्स एग्जीक्यूट होगा, एरर आ जाती है तो एक्सेप्ट में जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर मैं अगर ए ना लूँ तो कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है कोई एरर नहीं आएगी। तो ये देखिए एल्स ऑफ ट्राई आया, एल्स ऑफ ट्राई आया एंड एंड चला गया। बट अगर कोई एरर आती है, ओके यहां पर कोई एरर आ जाती है, देन ये क्या होगा, ये देखिए इसमें इसमें नहीं गया, सीधे यहाँ एल से सीधे सीधे यहाँ पर आया एक्सेप्ट में, आया नहीं आया कि यहाँ पर आ गया एक्सेप्ट में, उसके बाद एल्स में नहीं गया। तो एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब सक्सेसफुली ट्राई का कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ इज देयर एनी एरर इन ट्राई ब्लॉक देन एल्स विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, और सीधे कोड यहाँ पर जाएगा एक्सेप्ट में जाएगा और फिर आगे स्मूथली प्रोग्राम चलता रहेगा। ओके ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक इसमें कीवर्ड और होता है फाइनली, फाइनली की मैं आपको बता देता हूँ। फाइनली देखिए क्या करने वाला होता है, फाइनली तो फाइनली है, मतलब वॉट एवर द कंडीशन, कुछ भी हो, एरर हो कि ना हो, सक्सेस हो कुछ भी हो, ठीक है फाइनली तो एग्जीक्यूट होना ही होना है इन फाइनली ब्लॉक। तो समटाइम हमें कुछ ऐसी जरूरत होती है कि यार एरर हो या ना हो आपको ये एग्जीक्यूट करना ही करना है, तो क्योंकि एल्स तो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब एरर होगी, है ना। ये देखिए इन फाइनली ब्लॉक, एरर यहाँ पर थी तब भी एग्जीक्यूट हुआ और
एरर यहाँ पर नहीं थी, मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तब भी एग्जीक्यूट हुआ। देखिए एल्स ऑफ ट्राई एल्स भी एग्जीक्यूट हुआ और फाइनली भी एग्जीक्यूट हुआ। ओके ये हमने देख लिया। समटाइम हमें क्या करना होता है, कोई फाइल हमने ओपन की, फाइल हैंडराइटिंग को हम लोग स्टडी करेंगे, तो हम उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग ओपन करते हैं, या कोई और कोड हमने कोई डाटाबेस से कनेक्टिविटी की और हमें कोई ट्राई में एरर हो ना हो, हमें फाइनली वो क्लोज करने ही करना है, तो हम लोग उस ऐसे कोड को हम लोग फाइनली ब्लॉक में पुट करते हैं। ओके तो यहाँ पर हमने फाइनली को भी देख लिया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ट्राई को, ट्राई क्या है, ट्राई ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ एरर्स। ओके एक्सेप्ट क्या करता है, लेट्स यू हैंडल द एरर, हैंडल करेगा, अगर कोई एरर आएगी तो इसमें आएगा, आप हैंडल कर सकते हैं। एल्स क्या करेगा, जब देर इज नो एरर देन ये एल्स का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फाइनली क्या करता है, फाइनली तो एग्जीक्यूट होने ही होना है रिगार्डलेस ऑफ एरर, मतलब अगर कोई एरर है तब भी, एरर नहीं है तब भी फाइनली तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। अब ऐसा हो सकता है कि आप एरर भी देखना चाहें, है ना, आप एरर देखना चाहें कि एरर आखिर क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ प्लस ए तो यहाँ सिर्फ एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट। मैं समटाइम मैं क्या देखना चाहता हूँ, एरर देखना चाहता हूँ, तो देखिए ये भी ऑप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन कर सकते हैं, ई कुछ भी ले लिया, वेरिएबल है, ठीक है ये वेरिएबल है, आपने यहाँ पर ई प्रिंट करा दिया। ओके तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अभी देखिएगा इसको, यहाँ पर एज एज लेना होगा ना, एज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए नेम ए इज नॉट डिफाइंड, तो आपको पता लग गया कि एरर कौन सी है, नेम इज नॉट डिफाइंड। अब समटाइम ये प्रोग्राम चल रहा है तो आप इस एरर को लॉग में भी डिस्प्ले करा, लॉग में भी स्टोर कर सकते हैं, समटाइम डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं, आप ब्लॉग में जाकर वहां पर पता कर सकते हैं कि कौन सी एरर है कौन सी नहीं है, या डेटाबेस में जाकर पता कर सकते हैं कौन सी एरर है कौन सी नहीं है। तो आप लॉग देखते रहते हैं अपने प्रोजेक्ट का, वहाँ से जाके आपको पता लगता है अच्छा इस केस में ये एरर आ रही, तो आप जाके आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा समटाइम बात समझ में आ गई ना, कि एक्सेप्ट है एल्स, ट्राई है एक्सेप्ट है एल्स है फाइनली है, बस यही है। एक्सेप्ट में हम जो एक्सेप्ट में जाके हम लोग इस एरर को देख भी सकते हैं कि कौन सी एरर है। अच्छा समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे नॉट डिफाइंड की एरर है, ठीक है, डिवीजन बाय जीरो की एरर है, तो आप इन एरर को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाहें, तो ये भी पाइथन में ऑप्शन होता है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर मैं आप चाहते हैं कि के देखिए कैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शंस होते हैं। आप बोलते हैं कि डिवीजन बाय जीरो एरर आए, ठीक है, तो ऐसे हैंडल हो, मतलब आप उसमें कुछ भी कोड परफॉर्म कर सकते हैं, आप किसी को मेल भेज सकते हैं या फिर डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, ये आपके लिए डिवीजन बाय एरर के लिए ये वाला कोड ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसमें और भी कितनी भी लाइंस लिख सकते हैं, तो ये इट्स अप टू यू कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। ओके अच्छा आप चाहते हैं कि नेम एरर हो, नेम एरर हो तो ये मेरा ऐसे हैंडल हो, ओके नेम एरर हो तो ऐसे हैंडल हो इन नेम एरर, तो इसमें आप कोई भी कोड रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा कोई भी एरर हो, मतलब बहुत सारी एरर हो सकती हैं, फाइल ओपनिंग हैंडल एरर हो सकती है, फाइल नॉट फाउंड एरर हो सकती है, मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके अलावा कोई भी एरर हो तो वो ऐसे हैंडल हो, तो ठीक है। तो हम जो है मल्टीपल, कहने का मतलब ये है कि हम मल्टीपल एक्सेप्ट लगा सकते हैं। ओके जैसे कि हमने यहाँ पर दिया इन, ये क्या आया, इन नेम एरर, इसमें आया ना इन नेम एरर, तो इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, ये देख लेगा किस में जाना है, बाकी सारा कोड मतलब मल्टीपल एक्सेप्ट हैं, आप ये अपने हिसाब से पता लगा ले किस में जाना है, पहले में जो चला गया तो पहले में चला जाएगा, अब ये नेम एरर थी तो नेम एरर से मैच हो गई क्योंकि इसमें हमने ए दिया था, तो नेम एरर से मैच हो गई, नेम एरर का जो कोड है ब्लॉक का कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग डिवीजन बाई जीरो वाली एरर रेज करने वाले हैं, रेज होगी ना यहाँ से, इसमें जाएगा और डिवीजन बाई जीरो वाली एरर रेज होगी, ये देखिए इन फाइनली ब्लॉक स्टार्ट इफ, इफ में गया डिवीजन बाई एरर आई, ये देखिए ये वाली आई डिवी इन, ये वाला कोड ब्लॉक हुआ क्योंकि इसमें एरर मैच हो गई, अगर कोई और एरर आएगी देन आप लोग वो एरर इसमें जाएगी। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस हैं। ओके तो आप मल्टीपल एक्सेप्शन लगा सकते हैं, आप फाइनली ये वाला एक्सेप्शन लगा सकते हैं।
अब अगर मैं कोई भी एरर नहीं आएगी तो स्मूथली प्रोग्राम चलेगा। ये देखिए यहाँ पर स्मूथली प्रोग्राम चला। तो आप जाकर गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं पाइथन में। ये मैंने आपको 3 एक्सेप्शन बता दिए। यहाँ पर जाएंगे आप डालेंगे पाइथन एक्सेप्शन, ठीक है। आप किसी भी साइट पर चले जाए, ये देखिए इतने सारे एक्सेप्शन होते हैं, और भी होते हैं। नेम एरर को हमने देख लिया है ना, डिवीजन बाय एरर को भी हमने देख लिया, और डिवीजन बाय एरर को भी देख लिया। वैल्यू एरर है, कोई ऐसी वैल्यू एरर आती है तो इस टाइप से। एंड ऑफ फाइल एरर है, ये वाली एरर। तो इतने सारे एक्सेप्शन होते हैं, आप इनको खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं और जाके इनको देखें, खुद से एक्सप्लोर करें। और जितना मैंने आपको बताया, अगर आप इतने की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट फाइनली और एल्स ब्लॉक राइट करना सीख जाते हैं, देन ये भी इनफ है। और इसके साथ साथ आप जो भी कोड करें आज के बाद, जो भी कोड करें, जहां भी आपको पता हो कि यहां रन टाइम एरर आ सकती है, वहां पर आप क्या करेंगे, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।